जय मां भारती, जय हिंदू राष्ट्र। संपूर्ण देश भर के हिंदुओं को जो जगाने का कार्य हम कर रहे हैं और बी हिंदू बाय फ्रॉम हिंदू के अभियान को संपूर्ण देश में चलाने हेतु हम देश भर के विभिन्न राज्यों के विभिन्न शहर में जा रहे हैं। छोटे मोटे कार्यक्रम करके हम अपना सनातन धर्म को मजबूत करने का कार्य करने जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में 3 दिवसीय कार्यक्रम गीता भागवत सत्संग का श्री अवधूत सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हमारे शिष्य है कालिदास जी, इनके माध्यम से इन्होंने वो कार्यक्रम करवाया और जिसमें इस मोड़ासा क्षेत्र के गणमान्य लोग भी उपस्थित थे, जिसमें से एक सुप्रसिद्ध यहाँ के जाने माने फिर परिचित महान जिनका व्यक्तित्व है ऐसे धर्मेंद्र नाथ योगी जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और यहाँ के सुप्रतिष्ठित देवायत पंडित जी का स्थान है टेकरी पर, वो धनगिरी बापू भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और हिम्मत नगर के जर्नेश्वर महादेव के श्री लक्ष्मण भारती बापू भी इस कार्यक्रम में उनकी पावन सन्निधि मिली और बालकदास जी भी थे कबीर मत के और वो भी इस कार्यक्रम में आए और इन सभी संतों का आशीर्वाद मिला। अनेक लोग स्थानीय उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और श्री अवधूत सेवा ट्रस्ट के माध्यम से निस्वार्थ भाव से यह 3 दिवसीय कार्यक्रम बहुत धामधूम से संपन्न हुआ, जिसमें संयोजक की भूमिका में न्यू यूनिवर्सल डेवलपमेंट ट्रस्ट भी इसके साथ में थे और झनकार सेवा ट्रस्ट के लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे और इन्होंने इसमें काफी सहयोग भी किया है और साथ में ये मोड़ासा के जाने माने डॉक्टर मुकेश जी भी इन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, जिसके साक्षी यहाँ के सारे गणमान्य लोग हैं। तो आप सबसे नम्र निवेदन है इसी प्रकार का कार्यक्रम भविष्य में भी यहाँ होता है तो आप सबको इसमें एकत्रित होना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये हुई कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए और इसकी पवित्रता, शुचिता और निस्वार्थता को देखते हुए इसी मोड़ासा क्षेत्र के शिवजी भाई ने आकर अपने भूमि को दान दिया है अवधूत सेवा ट्रस्ट को, तो ये भी बहुत बड़ा कार्य यहाँ हुआ है। तो धर्मेंद्रनाथ योगी जी आप भी 2 वचन कहेंगे तो उत्तम रहेगा। मोड़ासा नगर की ये पावन भूमि में महात्मा जी ने आके जो 3 दिवसीय ये गीता का जो कथा किया, बहुत बहुत धन्यवाद है जिन ट्रस्ट अवधूत सेवा ट्रस्ट और जिन आयोजकों ने इसका जो आयोजन किया था, जिसकी वजह से नगर जनों को इस पवित्र महात्मा जी की पवित्र वाणी का जो लाभ मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कालिदास जी भी है, इन्होंने ही कार्यक्रम करवाया, इनके भी 2 वचन। कालिदास की कोई भूमिका है नहीं महाराज जी, समर्थ गुरुदेव संतों का प्रेरणा आशीर्वाद, अवधूत महाराज का कृपा, समाज की सेवा के लिए महाराज जी अपने ये अवधूत सेवा ट्रस्ट के माध्यम से जनता के सामने जा रहे हैं। अपने कोई इसमें कोई अपना कोई प्रोफेशनल भाव नहीं है, अपने माध्यम से भजन का एक फर्ज निभा रहा हूँ। साधु संतों का कृपा है, अवधूत महाराज का जो संदेश है उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ महाराज जी। जो भी आप संतों की कृपा है मेरे से हो रहा है वो कर रहा हूं। आप सबने देखा इनका भाव निस्वार्थ है, इनको तो नाम की भी अपेक्षा नहीं है, इसी कारण ऐसे ही लोग बड़े बड़े कार्य कर पाते हैं। नाम की जिसके अंदर तृष्णा भरी होती है कि हमारा नाम हो, उन लोगों के माध्यम से ऐसे पवित्र कार्य नहीं हो पाते हैं, या होते भी है तो उसमें कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा होता है। लेकिन ये कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ, इसलिए कालिदास जी और इनकी पूरी टीम को ढेर सारा धन्यवाद और आप सभी को जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र।